शलमणि त्रिपाठी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब विरोधी दल तो यही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया है, लेकिन इसका फायदा माफिया को ना मिल जाए। साबरमती जेल से बाई रोड ले आने का क्या औचित्य था, ये पूछा जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग कानून को समझते हैं, जो लोग न्यायपालिका को समझते हैं और जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में न्यायपालिका का आदेश पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका हो सकता है। सैटेलाइट से तो अतीक अहमद को ला नहीं सकते। एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, पुलिस के पास जो अपनी गाड़ी है, पुलिस के पास उस गाड़ी से उसको ले आना है और कोर्ट से परमिशन मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं कि एक माफिया जिसको इतने सालों तक कभी कानून का खौफ नहीं रहा, एक माफिया जो सरकारों पर राज करता रहा, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती थी, एमएलए बनाती थी, आज पहली बार वो माफिया और उसका पूरा कुनबा कितने खौफ में नजर आ रहा है, ये जरूर देश के लोगों ने देखा है। पहली बार उसको सजा होती हुई नजर आ रही है। कल कोर्ट का ऑर्डर आना है, कोर्ट का ऑर्डर क्या आएगा हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन पहली बार ये स्थिति आई है कि अतीक अहमद जैसे डॉन, अतीक अहमद जैसे खूंखार माफिया को सजा के दायरे में लाया गया है, उसको सजा सुनाई कर जानी है। तो लोग ये देख रहे हैं कि पहली बार ये सारा कुछ हो रहा है और निश्चित तौर पे देश के लोग यह भी समझ रहे हैं कि किन लोगों ने ऐसे माफिया को पाला पोसा, किन्होंने उसको संरक्षण दिया और किनको बेचैनी है। मैं तमाम सारे लोगों की बाइट सुन रहा था, नेताओं की बाइट सुन रहा था, मैंने देखा कि जितनी परेशानी अतीक अहमद के परिवार को नहीं है, जितनी घबराहट अतीक अहमद के परिवार को नहीं है, उससे ज्यादा परेशानी समाजवादी पार्टी के नेताओं को है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को है। रामगोपाल यादव जी तो बयान पे बयान दिए जा रहे हैं कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वह भी बयान दिए जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इतनी ज्यादा सिंपैथी, इतना ज्यादा ओवर डिफेंसिव एक माफिया डॉन को लेकर राजनीतिक दल कैसे हो सकता है जो ये कहता है कि हम तो सेवा करते हैं। और देश के लोगों ने देखा है, प्रदेश के लोगों ने देखा है, ये सिलसिला तो हमेशा से चला है, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद रहा हो, पालने पोसने का एक पूरी परंपरा रही है। ऐसे माफियाओं, ऐसे गुंडों को गली से उठाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की, विधानसभा में भेजने की परंपरा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नजीर बनेगी आशुतोष वर्मा जी के नेतृत्व में। आशुतोष वर्मा जी, एक अपराधी जिसने 100 से ज्यादा गंभीर वारदातों को अंजाम दिया हो, जिसके ऊपर हत्या, फिरौती, अपहरण के गंभीर आरोप लगे हुए हों, उस अपराधी से इतनी ज्यादा सहानुभूति क्यों है समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा जी, वाक्या है 2018 का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और फूलपुर का उपचुनाव चल रहा था। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को लड़ा रही थी और बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट कर रही थी। तब यही अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी में जाके आवेदन करता है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता है और 54,000 वोट पाता है। एक वाक्या वो रहा। उसके बाद यही अतीक अहमद, जिसकी बहन खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि वहां की कैबिनेट मंत्री, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा चैनल में, उन्होंने 5 करोड़ रुपए ले रखे हैं, कई फोटोज वायरल हुई हैं। फिर यही अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में रहते हुए, सरकार रहते हुए बीजेपी की, गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस जेल में कैद है, और इलाहाबाद जो भारतीय जनता पार्टी, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां पे गुजरात में रहते हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा कांड कर लेता है। क्या आपको लगता है कि सरकार और तंत्र के बिना वो काम ये कर पा रहा है? ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहा है कि आप इसको क्यों पोषण कर रहे हैं? क्या वाकई आप इसको समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको आक्षेप कर रहे हैं? अगर आप इतने ही मिट्टी में मिलाने थे तो आप गाड़ी क्यों नहीं पलटी? क्योंकि हमको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अतीक अहमद अब लायबिलिटी नहीं, एसेट है। वो एसेट है, वो यूज करेगी किस तरीके से, मुस्लिम के खिलाफ मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, किस तरह धार्मिक उन्माद फैलाओ, ये काम अब भारतीय जनता पार्टी अतीक अहमद के साथ करने वाली है और करती रही है। इसके प्रामाणिक सबूत भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती का हम लोग के ऊपर आरोप लगाते थे, कभी था समाजवादी पार्टी में, आज की डेट में अखिलेश यादव की पार्टी में वो नहीं है, इसलिए हमारा से कोई संबंध नहीं। मेहमानों के पास जाऊंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। आज भी अगर आप गूगल करेंगे, आज भी अगर आप गूगल पर जाएंगे, विकिपीडिया पर जाएंगे, तो आशुतोष वर्मा जी हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं।
अरे कब लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी में, कब उसने आवेदन दिया, आप एक प्रमाण बता दीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से एमपी रहा है ये तो पूरे देश को पता है आशुतोष भाई, किसको गुमराह कर रहे हैं। और ऐसी कार्रवाई जो हो रही है जिसके बाद पूरा का पूरा कुनबा अतीक अहमद का चिल्ला रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस से बचाओ, उत्तर प्रदेश की सरकार से बचाओ, इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि किसने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर लोकसभा के भीतर भेजा और कौन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, किसके किसकी सरकार में मुख्तार अंसारी जैसा डॉन व्हीलचेयर पर बैठ कर आया। और आप कहते हैं गाड़ी पलटने के बाद आपके नेता तो न जाने क्या क्या बता रहे थे कि ये प्रमाण है, पुलिस को धमका रहे थे कि पुलिस के लोगों को अगर कुछ हुआ तो कल गूगल से तस्वीरें आ जाएंगी, कल को आप फंस जाओगे। तो आप ये पुलिस के लोगों को क्यों धमका रहे हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कल को आप जेल चले जाओ। तो आपकी जो सहानुभूति आपके नेता की, रामगोपाल यादव जी का भी हमने बयान सुना, रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि हत्या हो जाएगी। अरे हत्या तो उनकी हुई है, एक बार उमेश पाल की माँ से जाकर मिलिए आशुतोष जी, अपने पार्टी के लोगों को भेजिए, उमेश पाल की माँ का दर्द सुनिए कि कैसे दो दो बेटों की हत्या हो गई। वो अभी पिछड़े समाज से आते हैं, उमेश पाल भी पिछड़े समाज से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रयाग के भीतर दौड़ा दौड़ा कर विधायक को गोली मारी गई और अस्पताल ले जाते वक्त अस्पताल के बाहर भी गोली मारी गई, उसके बावजूद आपको लगता नहीं कि आप अपराधियों के साथ खड़े हैं। ये देश और प्रदेश की जनता ने इसीलिए आपके साथ ये न्याय किया है, क्यों? क्योंकि टेलीविजन पे आके झूठ बोलना है और बाहर जाके आतंकवादियों का अपराधियों का समर्थन करना है, सीरियल ब्लास्ट होता है, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। और कौन से आतंकवादी जिन्होंने काशी में हमला किया, जिन्होंने लखनऊ में हमला किया, जिन्होंने गोरखपुर में हमला किया, अयोध्या की कचहरी में हमला किया, उनके मुकदमे आप वापस लेते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है कि साहब मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, इनको ले जाकर पद्मश्री दे दीजिए। तो ये परंपरा जो आपकी सरकार में रही है अपराधियों, गुंडों, आतंकवादियों को पालने पोसने की, वो खत्म हो गई है। इसीलिए आज माफिया खौफ में है।